है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। धन्यवाद। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें आज का शब्द है आयुर्वेद। अंग्रेजी में आयुर्वेदा, असमिया में आयुर्वेद, संस्कृत में आयुर्वेदा और एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जिनकी जड़ भारत और महाद्वीप में है। वाक्यों में प्रयोग आयुर्वेद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मैं अपना शब्द दोहराती हूँ आयुर्वेद। धन्यवाद। एवं आपका दिन मंगलमय हो। आज मैं और मेरी सहेली दिव्यांगा आप सबके समक्ष आज के समाचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पहले कुछ राष्ट्रीय समाचार। IIT गुवाहाटी और इसरो ने ब्लैक होल स्रोत का पता लगाने की उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। किरण रिजिजू मोहम्मद मेजू के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मॉलदीव पहुंचे, वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय मूल के बीन गोपाल अमेरिकी सीनेट के लिए फिर चुने गए। न्यूजर्सी में जीत का जश्न। अब कुछ समाचार मेरी सहेली दिव्यांगी की ओर से। धन्यवाद। अब कुछ समाचार। जल की सबसे बड़ी जल आपूर्ति पूरी होने की खबरें। अब कुछ खेल जगत से। विराट कोहली ने वनडे में किया सबसे ज्यादा सजा, 85वीं सेंचुरी बना सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। आज का अधिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। सुप्रभात सभी को। आज का विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय भाषा उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आशा है आप सभी को पसंद है। भारतीय दर्शन से सभी पदार्थ के मूल माने गए आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये पंच महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ यानी निर्जीव होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। धन्यवाद। इन आसामिस भारतीय दर्शन सकलो पदार्थ मूल माना जाए। आकाश, वायु, अग्नि, পানী আৰু পৃথিৱী পঞ্চভূত বুলি জনা যায়। পঞ্চভূতৰ পৰা সকলো পদাৰ্থৰ উৎপত্তি হয়, কিন্তু ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা পদাৰ্থ কেনা নিৰ্জীৱ হয়। সিহঁতক জীয়াই থাকিবলৈ আত্মাৰ দৰকাৰ। ধন্যবাদ। आत्मना